लोकसभा चुनाव में अभी एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार में सियासी दलों ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। अगले साल बीजेपी के खिलाफ बने महागठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव एक बड़ी परीक्षा होगी। दूसरी ओर भाजपा के लिए महागठबंधन के खिलाफ खुद को साबित करने का एक और मौका होगा। ऐसे में भाजपा ने अपने प्लान पर काफी बारीकी से काम किया है और अमल करना उस पर शुरू कर दिया है। अगर आप भाजपा की रणनीति समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी आरजेडी को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। एक वक्त था जब भाजपा यादव वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती थी और अब कुशवाहा कुर्मी वोट बैंक पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। और देखिए, यादव वोटर्स के मुकाबले मुझे लगता है कि कुशवाहा कुर्मी वोट बैंक को तोड़ना ज्यादा आसान है। इसी को लेकर सबसे पहले चर्चा बिहार में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी से करते हैं। बीजेपी ने राज्य में पार्टी की कमान कुशवाहा वर्ग से आने वाले सम्राट चौधरी को सौंप दी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अभी कुशवाहा और कुर्मी वोटर्स नीतीश कुमार की पार्टी के साथ रहे हैं। हालांकि महागठबंधन बनने के बाद यह वर्ग अपने पुराने फैसलों पर विचार कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में कुशवाहा वर्ग और उनकी सही जगह उनको नहीं दी जा रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है, उनका कहना है कि महागठबंधन के अलावा राज्य में कुशवाहा वर्ग अपने लिए एक सेफ जगह खोज रहा है। ऐसे में इस वर्ग के पास भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शिफ्ट होना एक आसान या कहें तो एकमात्र विकल्प है। इसी समीकरण को समझते हुए बीजेपी इस वर्ग को टारगेट कर रही है, जिससे महागठबंधन और एनडीए के बीच वोटों का अंतर कम हो सके। इसका असर पार्टी के फैसलों में भी नजर आ रहा है। बात बीते साल से शुरू करते हैं, तब भाजपा ने राज्य में सम्राट अशोक की जयंती पर एक सम्मेलन किया था, जिसकी व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर दी गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार में कुशवाहा वर्ग से उनको जोड़कर देखा जाता है कि सम्राट अशोक कुशवाहा वर्ग से आते हैं। सम्राट अशोक के जरिए बीजेपी भी कुशवाहा वर्ग को टारगेट कर रही है। राज्य में कुशवाहा वर्ग करीब 7-9% है, इसलिए बीजेपी फिर से अप्रैल में सम्राट अशोक की जयंती एक बार फिर से रोहतास में मनाने जा रही है, उसके लिए सम्मेलन किया जा रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भी सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीते दिनों नीतीश कुमार से अलग हुए बिहार में कुशवाहा वर्ग के नेता उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा करते हैं। 20 फरवरी को उन्होंने जेडीयू से अलग होने का अपना ऐलान किया था और उसके बाद 21 फरवरी को वो बिहार बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से उन्होंने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उनके बीजेपी के साथ आने की चर्चा तेज हो गई थी। बात यहीं खत्म नहीं होती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार से अलग होते ही पीएम मोदी भी उपेंद्र कुशवाहा की जमकर सराहना की थी। इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि अब उपेंद्र कुशवाहा आगामी चुनाव में भाजपा के गठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुशवाहा वोटर्स अभी तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। अब अगर उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी इन वोटर्स को तोड़ने में सफल होते हैं तो इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार पर होगा। भाजपा का सीधा टारगेट मुख्यमंत्री के बेस वोटर्स के जरिए उनको कमजोर करने पर है। इसके लिए सम्राट चौधरी ने तैयारी भी तेज कर दी है, जिसके झलक उनके बयानों में भी दिखता रहता है, जिसे वो बातें करते हैं। लोकसभा चुनाव में केवल एक साल का वक्त बचा है। माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी फिर से 2014 के फॉर्मूले पर काम करेगी। तब भाजपा ने राज्य में जातिगत समीकरणों को अच्छे से साधा था, हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया था। तो भाजपा का यह पुराना प्लान लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर भी ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, जिसमें जातिगत समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि महागठबंधन के जाति वाले फैक्टर के आगे भाजपा का ये नया समीकरण कितना कारगर साबित होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ आने के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी के साथ आने का उन्होंने ऐलान नहीं किया है और कोई ऐसा उन्होंने कुछ भी घोषणा नहीं की है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, तो कहिए तो भाजपा और अन्य दल लोकसभा की तैयारी तो कर ही रहे हैं और साथ में विधानसभा की भी तैयारी एक तरीके से शुरू हो गई है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।